तो इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके 3 में से 2 उद्देश्य उसने हासिल कर लिए हैं, जबकि जो तीसरा उद्देश्य है उसके तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है लगातार। इसने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के जो सभी पेलोड हैं सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं, तो 2 मिशन 2 उद्देश्य 3 में से पूरे हुए चंद्रयान 3 के, और चंद्रयान 3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य तौर पर काम कर रहे हैं, और जो तीसरा उद्देश्य है उसके तहत वैज्ञानिक प्रयोग लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक प्रयोगों का जिक्र किया, और जो 3 बड़े उद्देश्य उसमें से 2 हासिल किए गए, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी। और कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित हो चुके हैं, चंद्रमा पर लैंडिंग मिशन पूरा, चांद पर कीर्तिमान की ये पूरी जो विजय गाथा है। देखिए, सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन अकम्प्लिश्ड, रोवर का घूमना मिशन पूरा होना, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन होना, ये मिशन अभी जारी है। सपोर्ट किया नमुक इनियम चंद्रन चौव्वे शुक्रन यात्रा नमुक कहवें पक्षे नमुक वे आत्मविश्वास वर्धिपीम नमुक कूड़ा इंवेस्टमेंट ना स्पेस सेक्टर वलुदावण इन नमुक राज्य मोगति अदान लक्ष्यम अबपाकन नमें आदरणीय प्रधानमंत्री निर्णय क तो चांद पर चंद्रयान 3 की जो कामयाबी की उड़ान है वो लगातार जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी करते हुए हर दिन डेटा जुटाता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने होंगी। चांद पर चंद्रयान की कामयाबी की कहानी को बयां करती सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है, और सब कुछ इसरो के प्लान के अनुसार ही हो रहा है। इसरो ने कहा कि मिशन के 3 मकसद में से 2 पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2 मिशन पूरे हुए और तीसरा जो है वो भी बाकी है, जबकि तीसरे को जल्द हम हासिल कर लेंगे। तो वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि 14 दिन मिशन मून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक चांद से मिल रहे डेटा को लेकर बहुत ही उत्साहित है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर को चंद्र सतह पर लैंडर विक्रम के टच डाउन स्थल शिव शक्ति बिंदु के आसपास घूमते हुए दिखाया गया है। प्रज्ञान की चहलकदमी का ये वीडियो शुक्रवार का है। इसमें दिखा है कि प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने पहियों के जरिए चांद की सतह पर इसरो के लोगो और अशोक स्तंभ की अमिट छाप छोड़ता जा रहा है। 32 सेकंड के इस वीडियो के आखिर में प्रज्ञान रोवर मुड़ता हुआ भी दिखाई दिया। इसके लिए वो कुछ पीछे चला और टर्न हो गया। इस दौरान रोवर के सोलर पैनल खुले हुए नजर आए, जिनके जरिए प्रज्ञान सूरज की रोशनी से एनर्जी ले रहा है। इसरो ने प्रज्ञान रोवर से जुड़ा तीसरा वीडियो जारी किया है। इससे पहले जारी वीडियो में प्रज्ञान रोवर लैंडर के रैंप पर चलकर चांद की सतह पर उतरते हुए दिखाई दिया, जबकि दूसरे वीडियो में लैंडर का रैंप खुलने और प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलने का पल दुनिया के सामने पेश किया गया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान और उस पर लगे दोनों उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह का नाम रखने पर अब सियासत छिड़ चुकी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शिव शक्ति नाम रखने पर आपत्ति जताई है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण शनिवार को पीएम मोदी ने इसरो से किया। उन्होंने इस लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा, लेकिन कुछ नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए, इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। लेकिन बीजेपी ने इन बयानों को लेकर बड़ा पलटवार किया। जो नेशन को प्राइड होना चाहिए उस पर भी राजनीति करते हैं, उनको लोग सजा दे चुके हैं, जनता सजा दे चुके हैं, और उन पर हम और समय देना जरूरी नहीं है। यूपी के सीएम योगी ने शिव शक्ति नाम रखे जाने के पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। योगी ने कहा कि शिव के नाम में ही कल्याण की भावना है। Z News।